एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़का था अनजाना सा। लेकिन जब हुई दोनों की मुलाकात तो शुरू हुई एक कहानी, और ये कहानी बना रहा है यूरोप का खूबसूरत सा देश बेल्जियम, जहां पर एक खूबसूरत सा स्टेट है जिसका नाम है फ्लैंडर्स। और फ्लैंडर्स के खूबसूरत शहर बन गए इनके लव स्टोरी के डेस्टिनेशन। और बेल्जियम फ्लैंडर्स के ये सारे नजारे समेट कर लाया है सास बहू और बेटियां। और हमारी इस लव स्टोरी में कहां है नमिक पॉल। जैसे दिल है सीरियल एक दूसरे के वास्ते के श्रवण अब बन गए हैं लव बॉय। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। और इनकी की है लवी शासन सीरियल सात माना सातिया की परिधि, और ये दोनों मिलकर हो गए हैं बेफिक्रे। भाई जब बेफिक्रे हो गए हैं तो लव मोहब्बत प्यार और दास्ता की नई डेफिनेशन ढूंढनी चाहिए। और जब संग हो यूरोप के ये खूबसूरत नजारे तो आपका मन हो जाता है फिल्मी। भाई तभी तो बॉलीवुड के हर गाने यूरोप के खूबसूरत लोकेशंस में ही शूट होते हैं। बेल्जियम फ्लैंडर्स के ये नजारे आज इनकी लव स्टोरी का सबब बन गए। फिर चाहे वो 6 डिग्री की ठंड में साड़ी पहनना हो, बेल्जियम के ब्रूज शहर के इस कैनाल पर मोहब्बतें करना हो, या फिर नाव में कहना हो ए दिल है मुश्किल। तो इन फिल्मी कहानी और फिल्मी नजारों के लिए हम पकड़ते हैं फ्लाइट और सीधा चलते हैं बेल्जियम फ्लैंडर्स। हमारा पहला पड़ाव फ्लैंडर्स का शहर ब्रूज। ये वही शहर है जहाँ पर पी के फिल्म शूट हुई थी, याद है ना आपको, चार कदम। लेकिन यहाँ पर हम चार कदम नहीं बल्कि मोहब्बतें दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारी हीरोइन को पहननी होगी एक साड़ी। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर है -डिग्री ठंड, तो इसलिए हमारी हीरोइन ने पहन ली बिल्कुल वही ऐश्वर्या राय वाली साड़ी, बस इसका रंग है लाल। और हीरोइन नमिक शाहरुख खान की तरह अपने ख्यालों में इस सर्दी की ड्रेस में हो गए रोमांटिक। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी मोहब्बत। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, आंखें खुली हो या हो बंद। दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यार प्यार कैसे होता है। की फील आ गई अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से आ रही है, क्योंकि मैं फील करना चाहती थी कि वो लोग कैसे कर। चार्ज कहते हैं जो सारे रोमांटिक गाने रहे उन्हीं पे बते जो हमने किया है अभी। बट हाँ, शाहरुख एंड मे बी अमिताभ फ्रॉम वे बैक इन द डे, ऐश काजोल और रेखा। वैसे इस रोमांटिक सीन को फिल्माते हुए कड़कड़ाती ठंड में लवी की हालत बस थी, लेकिन यहाँ पर फ्लैंडर्स वाले लवी के साथ सेल्फीज खिंचा रहे हैं। दिन की जस्ट शुरुआत हुई और हमने जस्ट पहला सॉन्ग कंप्लीट किया, अब तो बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए देखते रहिए सास बहू और बेटियां। बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, थोड़ा शांत सा है कंपेयर टू गेंट एंड ब्रसेल्स, बट वो अपना चार्म होता है उसका। भाई आखिरकार ये भी तो देखना चाहते हैं कि भारतीय फिल्में कैसे शूट होती हैं। नमिक और लवी ने फ्लैंडर्स बेल्जियम में मोहब्बत के इस पूरे सीन को 2 टेक में शूट किया।
हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। तो कैसा था कड़कड़ाती ठंड में फिल्मी होना? वैसे ये सीन कुछ कुछ आपको फिल्म ऐ दिले मुश्किल के उस सीन की याद नहीं दिलाता जहाँ पर रणबीर और अनुष्का भी डिसाइड करते हैं कि आज कुछ फिल्मी करते हैं। I think love is like Anushka से, she's dealing with it properly. बारिश में शूट किया है, बारिश में, ठंड में भी शूट किया है, नाइट शूट, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो कुछ अलग मैं कहूंगी कि एक्सपीरियंस है मेरे लिए, लेकिन वी आर एंजॉयिंग इट। By the way, just to आपको बता दूं कि लवी कितनी ब्रेव है। मोहब्बत के सीन को फिल्माने के बाद अब बारी है थोड़ी शॉपिंग की। भाई ब्रूट्स बेल्जियम बहुत ही खूबसूरत है जो जाना जाता है अपने कनाल्स के लिए, लेकिन साथ साथ यहाँ पर है शॉपिंग की ढेरों चीजें। लवी मैंने तुमसे बोला था कि मुझे शॉपिंग जाना था, ये कहाँ ले आई हो तुम मुझे? फूल पौधे दिख रहे हैं मुझे हर जगह। मुझे नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है लवी, तुम देख सकते हो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे कितने सुंदर फूल हैं। आओ, ये तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन मैंने तुमसे तुम्हें चाहिए मैं दे रही हूँ। अरे लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे कपड़े खरीदने, मेरे साइज के कपड़े यहीं पे मिलते हैं। कपड़े तो तुम ये फूल का क्या करूँगा मैं? कपड़े तुम इंडिया में भी जाके ले सकते हो। तो फूल भी इंडिया में मिलते हैं, यहाँ पे फ्रेश हैं। तो वहाँ भी फ्रेश मिलते हैं, आप कश्मीर के, आपको तो पता होना चाहिए। यार मुझसे पेड़ पौधे हैंडल नहीं हो रहे, मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ, टाइम कम है। ओके, आप एंजॉय करो, मैं आता हूँ, प्लीज बाय मी समथिंग नाइस, बाय। लवी की शॉपिंग तो हो गई, लेकिन अभी सफर बाकी है क्योंकि ब्रूट्स के बाद लवी और नमिक को जाना है एंथ्रोप, बेल्जियम फ्लैंडर्स का एक और खूबसूरत शहर। लेकिन इससे पहले गाड़ी में ही एक बार फिर फिल्मी हो गए और इस बार काला चश्मा लगाकर ये दोनों बन गए कैटरीना और सिद्धांत। बेफिक्रे का सफर अभी जारी है क्योंकि अगले हफ्ते बेल्जियम फ्लैंडर्स में हम रिक्रिएट करेंगे फिल्म पीके का वो गाना चार कदम, जिसकी शूटिंग इसी शहर और इसी जगह में हुई थी। तो देखते रहिए सास बहू और बेटियां का बेल्जियम के बेफिक्रे अगले बुधवार सिर्फ और सिर्फ आज तक पर। I'm having a great time with Lavi and with Saas Bahu Bidia. Thank you so much for bringing us here. Belgium Frienders se cameraman Lakshminath Inamdar ke saath Amit Tyagi, aaj tak.